अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू हारिस किचन। आज मैं कटोरी चाट की रेसिपी आपसे शेयर करने जा रही हूँ, तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। ये देखिए, ये सफ़ेद वाटन है, सफ़ेद मटर जो रगड़े के लिए यूज़ होते हैं वो मैंने एक कप लिए थे। इसको भिगा कर अच्छे से 5-6 घंटे इसको बॉईल करके लिया है, थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी हल्दी डालकर, और इसको रगड़े के जितना नहीं गलाना है। देखिए आखा दिखना चाहिए, ये इस तरीके से रहना चाहिए। अरे 1/2 किलो मैदा लेंगे कटोरी बनाने के लिए। उसमें मैंने 1 टेबलस्पून तेल और थोड़ा सा नमक डालकर 1/2 घंटा पहले गून कर रखा है, अच्छे से सॉफ्ट हो गया। अरे 2 आलू लेंगे, इसको बारीक बारीक चॉप करके लेंगे। 1/2 टीस्पून चाट मसाला। ये दही है, ये मैंने 200 ग्राम दही ली है, आप अपने ज़रूरत के हिसाब से ले लो, और इसको अच्छे से फेंट कर रखेंगे। हरी चटनी पुदीने की, ये भी ज़रूरत के हिसाब से यूज़ करेंगे। 1 प्याली मैंने ये इमली खजूर की चटनी ली है, इसकी रेसिपी मैंने डाली है, ये भी ज़रूरत के हिसाब से यूज़ करेंगे। 1 टीस्पून धनिया जीरा पाउडर, ये बारीक शेव लिए ऊपर से डालने के लिए 1 प्याली। 1 प्याज को बारीक चॉप करके लेंगे। नमक लेंगे स्वाद अनुसार। 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर। 1 टीस्पून भर के मिर्ची पाउडर। ये जो मसाले हैं मिक्स करना है इसमें डालने के लिए। तो सबसे पहले हम इसकी कटोरी बनाना शुरू करते हैं। ये देखिए आटा हमारे आँचे से सेट हो गया है। अभी हाथों को सूखा आटा लेंगे और इसके छोटे छोटे डोई बनाएंगे। पूरी को जैसे बनाते हैं, ये देखिए, अगर आपकी कटोरी बड़ी है तो आप बड़ी ले लो, मैं इतने बार बनाऊँगी, छोटी पूरी बनती है उतना। पहले हम इसके सारे डोइयाँ बना कर लेंगे, फिर इसकी रोटी बेलेंगे। इस तरह से बनाएंगे, अब मैं आपको बेल कर बताती हूँ। ये देखिए, इसको ज़्यादा पतला नहीं, ज़्यादा मोटा नहीं बेलना है, मीडियम बेलेंगे। सेम पूरी के जैसा ही इसको बेलते हैं। ये देखिए रोटी हमारी बेल के तैयार है, इतनी मोटी बेलेंगे, और इसको फोक से इस तरह इसमें होल करेंगे ताकि अंदर तक अच्छे से सीख जाए, और ये फूले नहीं तो ये फूल जाएगी पूरी की जैसी। अब इसके ऊपर हम लोग ये उठाएंगे, कटोरी रखेंगे, और इसको अब अपने कटोरी के हिसाब से बेलो रोटी। इसको अंदर की साइड में इस तरह दबाएंगे। अरे स्टील की कटोरी लेनी है इसको, क्योंकि इसको तेल में डालना है, इसके लिए स्टील की कटोरी लेंगे। अब इसको इस तरह रखकर इसको अच्छे से प्रेस करेंगे। ये देखिए, अब इसको जो साइड का हिस्सा है वो कट करके लेंगे, ये जो अंदर है। अरे इसको हम लोग फिर से रोटी में यूज़ करेंगे। अब जैसे ही तेल गर्म हो जाएगा इसके अंदर हम लोग ये कटोरी डाल देंगे। तेल हमारा गर्म हो गया, अब इसके अंदर हम ये कटोरी डालेंगे। गैस को मीडियम रखेंगे और इसको इस तरह से चलाते हुए फ्राई करके देंगे ताकि चारों तरफ से सेक जाए। ये देखिए कटोरी छोड़ना शुरू हो गया। धीरे धीरे ये छोड़ देगा, इसको इस तरह से अंदर तक तेल जाना चाहिए। ये देखिए कटोरी निकल गई बड़ी आसानी से। इसको साइड में रखेंगे ठंडा होने के लिए, और इसको अच्छे से फ्राई होने देते हैं। इसको अभी इस तरह से पलटी करेंगे ताकि अंदर तक ये सेक जाए,
और गैस का फ्लेम मैंने अभी लो किया है, लो फ्लेम पे इसको फ्राई करेंगे तो अच्छी क्रिस्पी बनेगी और ज़्यादा टाइम तक ये क्रिस्पी रहेगी कटोरी। देखिए कटोरी हमारी अच्छे से अंदर तक फ्राई हो चुकी है, एकदम क्रिस्पी आप देख सकते हैं। इसको तेल निकाल कर इस तरह से निकालेंगे और सर्व करेंगे। ये देखिए मसाले हम लोग मिक्स करके लेंगे, तो ये चाट मसाला है उसमें धनिया जीरे का पाउडर डालेंगे, गरम मसाला पाउडर, मिर्ची पाउडर और थोड़ा सा नमक, क्योंकि चाट मसाले में नमक है। और जो हमने वटाना उबाला है मटर वाइट वाले, उसमें भी थोड़ा नमक डाला है मैंने, इसको अच्छे से मिक्स करके लेंगे। मिर्ची पाउडर आप अपने हिसाब से ले लो, आपको अगर ज़्यादा तीखा चाहिए तो ज़्यादा भी डाल सकते हैं। इसको एकदम अच्छे से मिक्स करके लेंगे। आप इस तरह मसाला बना कर रख सकते हैं, जब भी आप कोई भी चाट बनाएंगे या शेवपूरी पानीपूरी में यूज़ होएगा ये आपका मसाला। देखिए ये रेडी है, अभी हम लोग कटोरी की तैयारी करेंगे। ये देखिए कटोरी अभी हम लोग तैयार करेंगे। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसमें आलू डालेंगे, थोड़े से थोड़ा थोड़ा ही डालना है। अरे जो मसाला रेडी किया है उसमें से थोड़ा सा डालेंगे। अब इसके ऊपर हम लोग मटर डालेंगे, आप अपने हिसाब से आपको जितना चाहिए आप ले सकते हैं। अब हम लोग इस पर थोड़ी सी ये इमली की चटनी डालेंगे, पुदीने की चटनी डालेंगे, दही डालेंगे, अब इसमें थोड़ा सा प्याज डालेंगे। अगर आपको प्याज नहीं चाहिए तो ना भी डालें तो चलेगा, लेकिन इसमें जाता है चाट में। अब इसके ऊपर फिर से हम लोग थोड़ा सा मसाला डालेंगे, हरा धनिया डालेंगे और थोड़े आलू में और फिर डालूंगी ऊपर से। देखिए इस तरह से, ताकि अच्छे से कटोरी हमारी भर जाए। अब एक चम्मच इसमें फिर से दही डालेंगे, इमली की चटनी, थोड़ी सी ये तीखी वाली चटनी नहीं है पुदीने की, मैंने मीडियम बनाया, ज़्यादा तीखा नहीं बनाया। अब इसके ऊपर हम लोग सेव डालेंगे, थोड़ा सा मसाला और ऊपर से डालेंगे। थोड़ा सा हरा धनिया। ये देखिए हमारी कटोरी चाट बनके तैयार है, अब मैं इसको सर्व करूँगी। ये देखिए हमारे मज़ेदार और टेस्टी कटोरी चाट बनके तैयार है, ये मैंने मेरे तरीके से बनाई है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। अल्लाह हाफिज़।